साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो भाई कुवैत का भी ठीक जॉब आया हुआ है, एक ड्राइवर से रिलेटेड जॉब आया हुआ था, एक ये और जॉब आया है। बाकी जॉब तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही रहेगा। आपके बड़े सपने हैं वो तो देखो पूरे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुवैत तो वैसे ही सबसे कम को गलत में अगर बात करें तो सबसे कम जॉब कुवैत के आते हैं, ये हमेशा नोट रखना। लेकिन मेरे बाद एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा यार, हर आदमी को 10वें दिन पता नहीं कहाँ से कुवैत के सबसे ज्यादा मेरे पास वीजा चेक करने के लिए आते हैं। ये वीजा कौन देता है, उनको कहाँ से आता है भाई मुझे नहीं पता। इसका मैं सर्चिंग करके एक अलग सी वीडियो डालूंगा। अभी बात कर रहा हूँ साथियों, अगर आप कुवैत जाने से रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं सर कुवैत का जॉब, कुवैत का जॉब। तो भाई देखिए, कुवैत का जॉब आया हुआ है, राजस्थान में आपको आना पड़ेगा, मैन पावर ऑफिस लाइसेंस होल्डर ऑफिस है, उसमें आपको ये काम मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, काम आना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये सीवी सिलेक्शन का जॉब है। काम नहीं आएगा तो आप जानो आपका काम जाने। अगर आपको काम आता है तो मैं कुछ डिटेल से आपको बता देता हूं इसमें। ये साथियों है फोनेक्स कंपनी कुवैत, फोनेक्स कंपनी का नाम है, कुवैत का ये जॉब है। इसमें सेटरिंग कारपेंटर मांगे हैं और कारपेंटर मांगे हैं, दोनों तरह के कारपेंटर मांगे हैं। सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं इसमें, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सेटरिंग कारपेंटर और कारपेंटर। अगर आपको काम आता है पूरा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें 100 KD 100 KD इसमें सैलरी रहेगी, प्लस फूड रहेगा, यानी 120 पकड़ के मान लीजिए, 20 KD वहां का फूड हो जाता है, 100 KD आपको खाना रहना वो सैलरी रहेगी, प्लस आपका ओवर टाइम रहेगा। तो मेरे हिसाब से साथियों इसमें 125 KD के तक लगभग सैलरी आ जाती है, प्लस यानी खाने सहित आप 150 KD तक इसमें ले सकते हैं। तो 30-35 हज़ार तक इसमें कुवैत में कंपनियों में भैया इतनी मिलेगी, और गलत में सब में सैलरी लगभग सेम ही है, इतनी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, बताने को लोग कितना भी बता दें। ड्यूटी रहेगी 8 घंटे, प्लस आपको ओवर टाइम इसमें मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 130 KD तक आप इसमें आराम से कमा सकते हैं, 236 का भाव चलता है, तो 30-35 हज़ार तक आराम से इसमें आप ले सकते हैं। और इसमें साथियों मेन चीज़ ये है कि सीवी सिलेक्शन है इसमें, तो सीवी सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि काम की जिम्मेदारी आपकी होती है, आगे जो ऑफिस होती है वो अपनी ऑफिस पे छोड़ देती है भैया कि काम आने वाले बंदे चाहिए। अब वो अपने एजेंटों को बोलते हैं भाई काम आने वाले बंदे चाहिए। कल को कई बार क्या होता है कि हाँ काम आता है, यहाँ से सिलेक्शन हो गया, बंदा पहुंच गया। कई बार ऐसा सुनते हैं बंदा को कंपनी ने तनख्वाह कम कर दी या वापस वो आ रहा है, इसका चक्कर ही होता है। काम अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती, काम नहीं आता तो भैया काम सीख के जाएं या फिर आप लेबर में जाएं, ये ऑप्शन बचता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो कुवैत से रिलेटेड इतने ज़्यादा कॉल आते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई डायरेक्ट नंबर तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 1000 कॉल जाते हैं अगले के पास और अगले को जरूरत नहीं है। बीच में मुझे मना भी कर दिया था कि भाई ये वीडियो हमारे मत डालना, तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि आप मुझे कॉल करें फिर मैं नंबर दूंगा, ताकि 95% जो फालतू के कॉल आते हैं वो बंद हो जाएंगे, 5% ओनली जिनको जाना होता है सीरियस वो कॉल करके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, फिर आप वहाँ जाके अपने बातचीत करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं जमा होते हैं। और भाई मैन पावर ऑफिस में तो दिक्कत होती ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। मैंने तो बहुत सारे वीडियो पहले भी डाले हैं कि मैन पावर ऑफिस में आंख बंद करके पैसा दे दो, पासपोर्ट दे दो, कहीं नहीं जाएगा, और ऐसे दोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो साथियों मैंने इंक्वायरी दे दी, ज्यादा इंक्वायरी चाहिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लें, और अधिक जानकारी के लिए आपको इसी तरह की अधिक जानकारी लेने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का जो बटन उसको जरूर दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसी आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।